उत्तराखंड में 20 और 21 अगस्त को जेपी नड्डा का दौरा है, जिसे लेकर भाजपा तैयारियां कर रही है और इसी पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से बातचीत की है हमारे संवाददाता विनाश तिवारी। दौरा 20 और 21 अगस्त को क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाएगा? नहीं, संगठन तो मजबूत है हमारा, अब तो समीक्षा की जाएगी। जो पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, हम भी गए थे, संतोष जी गए थे, लगातार हम रूटीन बैठ के कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये चुनावी राज्यों में दौरा है, उसके अंदर भी वो उत्तर प्रदेश भी होकर आए थे, तो अब उत्तराखंड का रहेगा। और जो पीछे जो काम दिए गए थे उनकी सारी समीक्षा होगी, जो कमेटियाँ बनी उनकी समीक्षा होगी, और आगामी चुनाव के अंदर हम जा रहे हैं उसकी पूरी तैयारी बैठक होगी। पर कांग्रेस पार्टी भी 19 तारीख से खटीमा से अपनी पदयात्रा शुरू कर रही है और कह रही है कि इस बार बीजेपी को हारने से कोई नहीं रोक सकता है, और लगातार आपके मंत्रियों के ऊपर ही प्रहार कर रही है, खासतौर से रेखा आर्य के पति के ऊपर जो केस लगा उसका जिक्र किया जा रहा है। देखिएगा, कांग्रेस तो अब इसमें भी खुश हो जाती है कि वेस्ट बंगाल में 44 में से 0 आ गए, उनको उसमें खुश हो जाती है। राहुल गांधी को खुश करने के लिए वो लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से 0 उनको मिल जाए, 0 की वो तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस का 4.5 साल कहाँ थे वो, अब 1.5 साल के अंदर कोरोना के अंदर पूरा उत्तराखंड परेशान रहा, तब उनकी आवाज़ नहीं निकली, जनता के लिए आवाज़ नहीं निकली, किसी को क्या देना है क्या करना है, किसी को कुछ नहीं तो मास्क ही बांट देते, इस पर नहीं हुआ। आज कांग्रेस ने इतना बड़ा पूरा देश के अंदर इतना बड़ा देवभूमि के ऊपर आक्रमण हुआ कि हमारे कुंभ को कोरोना कुंभ के कारण फैल रहा है ऐसा बदनाम करने की हमारी संस्कृति को, जब कांग्रेस दिखाई नहीं दी, कांग्रेस को देवभूमि से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति करते हैं और अब 4-5 महीने रह गए इसलिए निकल कर आए, मुझे लगता है उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि कल राकेश टिकैत भी देहरादून पहुंचे थे, उन्होंने कहा था किसानों की बात मैं यहाँ पे करूंगा, और आज राहुल गांधी ने भी संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च किया है, जिसमें उन्होंने किसानों के तीनों कानून को वापस करने की मांग की है और कहा है कि सदन के अंदर बोलने नहीं देते इसलिए सड़क पे आए हैं। देखिएगा, सदन में बोलने के लिए किसने रोका है उनको, मैं भी कल राज्यसभा में किस प्रकार का बिहेवियर वो कर रहे थे, वहाँ पर बेंच पर चढ़ना, नेता हैं जो चुनावों में जिनको जाना है वो रास्ता ढूंढ रहे हैं अपना कि किस माध्यम से हम चुनावों में जाएं, और अब तो गवता उन्होंने एक राजनीतिक दल की तरह ही काम करना है। शुक्रिया से बातचीत करने लिए। तो यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जो कि बता रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष जब जाएंगे उत्तराखंड के अंदर, तो तमाम सारे संगठन की जो समीक्षा की जाएगी वो किया जाएगा, इसके साथ साथ आगे के लिए भी संगठन को काम दिया जाएगा। के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। पूर्व सीएम हरीश रावत और मंत्री रेखा आर्या के बीच ट्विटर पर वार पलटवार जारी है। इस कड़ी में हरीश रावत ने रेखा आर्या के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें रेखा आर्या ने हरीश रावत को मारने वाला बैल बताया था। हरीश रावत ने लिखा कि मारने वाले बैल के 3 गुण होते हैं, उजाड़ नहीं खाता है, खेत अच्छे से जोतता है, और मालिक के घर कोई अनजान आ जाए तो उसे डराता भी है। उधर आज दोपहर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा करेंगे सीएम धामी। शाम 5 बजे आईडीएस योजना के तहत कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 5 बजे आईडीएस योजना के तहत कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज दोपहर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम। उधर जोशीमठ में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टंगड़ी के पास मलबा आ जाने से सड़क बंद हो गई, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और एक रोडवेज भी मलबे में फंस गई। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रोडवेज बस जो कि मलबे में फंस गई है। जोशीमठ से ये खबर आई है, जहां पर लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड्स के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बस किस तरह फंस गई बीच रास्ते में, इसके नीचे मलबा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोशीमठ से एक बार फिर खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहां चाई गांव के ठीक नीचे एक बार फिर से पहाड़ दरका और उसका एक बड़ा हिस्सा भरभराकर अलकनंदा नदी में गिर गया। गनीमत रही, कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। पास में ही 400 मेगावाट कंपनी का पावर हाउस बाल बाल बच गया। ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर ये पहाड़ दरका है, लैंडस्लाइड हुआ और ये बड़ा हिस्सा दरक करके अलकनंदा नदी में समा गया। तो जोशीमठ से दो तस्वीरें सामने आई हैं, दोनों ही लैंडस्लाइड से जुड़ी हैं। एक तरफ पहाड़ दरक रहा है, दूसरी तरफ उस लैंडस्लाइड के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गिरा और यातायात बाधित हो गया।
पौड़ी में मानसून सीजन कई लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। यहाँ लोअर बाजार के पास एक मकान खंडहर में तब्दील हो गया। गरिमत रही कि लोग इसकी चपेट में नहीं आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ताश के पत्तों की तरह ये घर खंडहर में तब्दील हो गया। अब प्रशासनिक टीम ने मौके का मुआयना करके नुकसान का आकलन किया है और मुआवजे को अमल में लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और हमारा काफी सारा के सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान भी आगे से देख रहे हैं पूरा सामने के मकान भी कुछ बचा हुआ नहीं है और रहने का भी कोई साधन है नहीं। रहने का भी साधन नहीं है। फिर एक बहन है वो भी थोड़ा माइंड से नहीं है तो घर में मजबूती है। मतलब काफी सारी परेशानियां आप देख ही रहे हैं। बाहर आए तो पता चला कि इनकी एक दीवार गिर गई थी। थोड़ी देर में हमने इनको कहा कि बाहर निकलो निकलो, इतनी देर में पूरा मकान नीचे आ गया। रात भर हम इनके साथ थे। हमने कहा चलो अब जो भी हो गया आदमी बच गया और जितनी भी सफाई थोड़ी सी सामान सामान इनको बाहर निकाला। रामनगर के धनगढ़ी नाले में पानी आ जाने से कार फंस गई। जिले में कई घंटों से हो रही बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। ऐसे में गाड़ियां जहां तहां फंस जा रही हैं, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है। वहीं अल्मोड़ा में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। यहां सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश होने लगी। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है लेकिन फसलों को नुकसान की आशंका है। तो वहीं मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। और अब खबर खटीमा से है जहां नेपाल बॉर्डर के पास बाजार में एक दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगने से मेलाघाट में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास में प्रसिद्ध लोक गायक और गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित पुस्तक सृजन से साक्षात्कार का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने घोषणा की कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, मोहन उप्रेती, गिरीश तिवारी गिरदा, हीरा सिंह राणा, शमशेर सिंह, जीत सिंह नेगी और चंद्र सिंह राही समेत प्रदेश के दूसरे प्रमुख लोक संस्कृति के रचनाकारों और लोक गायकों के जीवन परिचय और रचनाओं का अभिलेखीकरण पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगा। ये काम सूचना विभाग और संस्कृति विभाग करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर यह भी घोषणा की कि नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को अपनी संस्कृति प्रेषित की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में गोल की हैट्रिक लगाने वाली हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया को बधाई देने का सिलसिला जारी है। गुरु रविदास विश्व प्रसिद्ध महापीठ के बैनर तले सामाजिक संगठनों ने वंदना कटारिया का स्वागत किया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रमुख भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि वंदना ने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचकर हरिद्वार के साथ पूरे समाज का नाम दुनिया में रोशन किया। इससे पहले हरिद्वार के रोशनाबाद पहुंचे सीएम धामी ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने वंदना कटारिया को तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिया। सरकार ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि सुविधाओं के अभाव में दूरस्थ इलाकों में रहने वाली बेटियां भी वंदना कटारिया से प्रेरित हों। रोतेली पुरस्कार जो कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो प्रतिभाएं होती हैं उनको दिया जाता है। हमने उनको सो मोटो अपने आप दिया है सरकार ने और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का पढ़ाया है जिससे कि वो वंदना हमारे यहाँ की ऐसी बच्चियाँ जो समाज के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहती हैं, बहुत अभाव में रहती हैं, बहुत कमी में रहती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सम्मान किया और मतलब बहुत अच्छा लगा है जो। हाँ जी, क्या सम्मान दिया आज?
उन्होंने मेरे को जो एक उत्तराखंड का एक हाँ जी वो उन्होंने पुरस्कार दिया है, और दूसरा उन्होंने जो अभी हम लोग खेल के आए थे उसके लिए 25 लाख अनाउंस किए थे। हाँ जी वो उनका उन्होंने हाँ जी अभी तो यही है कि बस मेरे को खेलने पे ही ध्यान देना है, और जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे मतलब उसके लिए तैयारी करनी है अभी टीम के साथ में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के लक्सर का दौरा किया, और इस दौरान सीएम ने खानपुर के दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको ये भी बता दें कि इस कॉलेज का निर्माण 3.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड मोदी सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर है। इस मौके पर खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कहा कि ग्रामीण विधायकों के पास जो विधायक निधि आती है वो काफी कम है, और इसीलिए शहरी विधायकों से विधायक निधि काटकर ग्रामीण विधायकों को दी जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। कहा है हम जब विधायक जो करेंगे पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण। सर नौकरियां जो है अभी आपने कहा है कि एक मतलब एक विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, क्या रहेगी व्यवस्था, किस तरह से रहेगा? वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है, हमने कहा है कि जो जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसके अध्यक्ष होंगे और उसके विज्ञापन होगा उसके बाद। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम के आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि कण्वाश्रम कोटद्वार की पहचान है, इसके विकास के लिए हमारी सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही कोटद्वार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले इसके लिए हमारी सरकार की ओर से आयुर्वेदिक शोध संस्थान भी बनाया जा रहा है। कण्वाश्रम को पहचान दिलाने के लिए कई तरह के विकास कार्य कण्वाश्रम के आसपास तेज गति के साथ किए जा रहे हैं, जो कि अंतिम दौर में। रुड़की से ड्रग्स विभाग ने नकली दवाई की सूचना पर एक कुरियर सेवा में छापेमारी की। इस दौरान मौके से ड्रग विभाग ने 3 पेटियों में करीब 11,88,000 कीमत की दवाइयां बरामद की हैं। दवाई कुरियर सेवा से यूपी के प्रयागराज भेजी जा रही थी। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक फार्मा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की ये दवाइयां बताई जा रही हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर मानविंद्र सिंह राणा का कहना है कि दवाइयां प्रथम दृष्टया नकली दिखाई दे रही हैं। फिलहाल सारी दवा को कब्जे में ले लिया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। बात की, फिर हमने पेटियों को खोल के जब देखा तो इसमें दवाइयाँ थी और कुछ प्रिंटेड कार्टन भी हैं और दवाई के डब्बे हैं पैक्ड हो रखे हैं, जो दवाइयाँ बिकने के लिए जा रही थी, तो जो देखने में अभी नकली प्रतीत हुई हमको, तो हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके सैंपल भी लेंगे, सैंपल लैब जाएंगे, लैब से जब रिपोर्ट आ जाएगी तो इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सांसद महोदय अपने संसदीय क्षेत्र में नजर नहीं आते, इसीलिए वो उन्हें टेलीस्कोप से ढूंढने निकले हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि भाजपा ने चुनाव के समय जो वायदे किए थे उन्हें अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया है। उधर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। बेरोजगारों ने नंगे पैर थाली बजाकर जुलूस निकाला। प्रशिक्षितों का कहना है कि सरकार 22,000 पदों पर भर्ती करने की बात कह रही है, मगर पहले से प्रतियोगी परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। नवंबर 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था, जिसमें प्रक्रिया शुरू होने के बाद मामला हाईकोर्ट चला गया। बेरोजगारों का आरोप है कि सरकार इसे लेकर पैरवी नहीं कर रही। बैनर तले हमने रैली निकाली है। हमारी एक ही मांग है कि माह नवंबर 2020 में राज्य सरकार द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2200 पदों में विज्ञापन निकाला है और उससे पहले जो एक विज्ञप्ति इन्होंने और निकाली है, उन दोनों को जल्दी से जल्दी सितंबर माह तक पूर्ण किया जाए। किसी भी प्रकार का कोर्ट का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में कोविड की तीसरी लहर है और इस लहर के बाद में फिर सरकार के पास और बहाने हो जाएंगे कि कोविड की लहर है, सब कुछ बंद है। तो हमारा मांग यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितनी भी प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो कोर्ट के साथ।